साइड पॉइंट से क्यों बोला जाता है इसे? फर्स्ट टाइप का दिख रहा है। हाँ, संजय जब स्कूल पर से दिख रहा है। हाँ जी, कोई मिल गया मूवी देखी अपनी ऋतिक रोशन की, वही की शूटिंग। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं होटल जहां पर हम लोगों ने रूम लिया। ये देखिए एक अंदर रूम है, एक बाहर है, अटैच रूम है। रात यहीं बिताने वाले हैं, सुबह अपने लोग मॉर्निंग में व्यू दिखाएं। घूमते घूमते करीब 11 बज गया था, तो मैं अपने फेस कवर नहीं कर पाया, अपनी वीडियो दिखा पाया, लेकिन मैंने और भी चीज़ें कवर करी, वो आप लोग के लिए दिखाऊंगा मैं। और ये देखिए पीछे का व्यू कितना मस्त आ रहा है इस टाइम। ये देखिए गाइस पीछे का व्यू कितना मस्त आ रहा है इस टाइम। अभी हम बोटिंग करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे, बोटिंग करने जाएंगे। सामने आने लगे टेम्पल है। मॉर्निंग गाइस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे आते हैं यहाँ पर। ये देखिए ऊँचे ऊँचे पहाड़ और हल्का ठंडा मौसम होता है। ये देखिए कितने ऊंचाई पर घर हैं बने हुए, कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे लोग अपने यहाँ पर। हम लोगों ने ऊपर रूम लिया था, सब लोग रेडी हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर रूम ले लिया था, तो मम्मी को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई चढ़ने में ऊपर, मुझे पकड़ के लेके आना पड़ा ऊपर। यहाँ पर गाइस कुछ घूमने लायक जगह है, अभी हम अपनी गाड़ी तो ले जा नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेंट पर करनी पड़ेगी। कुछ 11 जगह है, लेकिन 11 जगह तो नहीं घूम पाएंगे, 7 जगह है, 7-8 जगह है, तो हम लोग अभी एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पर। तो गाइस मम्मी देखिए मेरे सामने ऊपर उतर के आ रही हैं, और मेरी भाभी है, भांजी है। तो गाइस ये लोग नीचे आ जाएंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करेंगे। थकी मम्मी? हालत खराब हो गई है, कितनी ऊपर जगह लिया। तो ये है गाइस नैनीताल के सुबह सुबह मॉल रोड के रास्ता, बराबर में लेक है, सुबह 7 बजे का व्यू है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर देखने में, और बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह टाइम चलने में घूमने में यहाँ पर। तो गाइस ये बोट स्टैंड है, यहाँ पर हम लोग बोटिंग भी करेंगे बाद में। ये देखिए गाइस कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, सुबह सुबह इतनी भीड़ भी नहीं है इस टाइम अभी। ये कितने खूबसूरत नज़ारे हैं ये गाइस देखिए, यहाँ बराबर में यहाँ पर लेक के बराबर में ये ग्राउंड है बड़ा सा, यहाँ पर लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और भी मैच खेल रहे हैं। ना जाएंगे एक ही आम के आकार में पूरा व्यू मिल जाएगा, फोटो वोटो खींच लेंगे उतर के। सूफाताल झील आ जाएगी, एक ठंडी गुफा आ जाएगी, बड़ा पत्थर आ जाएगा, लव सुसाइड आ जाएगा, और एक खाली पॉइंट आ जाएगा स्नो भी। ये पूरा व्यू हो जाएगा, आगे फिर ना घूमेंगे मैच होगा लास्ट में। रेड कलर का दिख रहा है ना, ये नैना देवी है भैया। अच्छा, बोटिया मार्केट, तिब्बती मार्केट, ये नीचे ये बोटिंग हो रही है सर झील में। वो फर्स्ट टाइप का दिख रहा है। हाँ, वो संजय जब स्कूल पर से दिख रहा है। हाँ जी, कोई मिल गया मूवी देखी अपनी ऋतिक रोशन की, वो इनकी शूटिंग जादू वाली। अच्छा, मैं सब कुछ पूरी फैमिली ले लेता हूँ। पॉइंट है वाला, इको पॉइंट है। हेलो, हुआ सर? अच्छा, इको होता है वापस आवाज। हेलो, देखो। हाँ हाँ, वापस आवाज आ रही है यहाँ से, इको होता है यहाँ पे। सुसाइड पॉइंट था कौन सा? वो यही है सर, अथनी। कौन सा? नहीं, सुसाइड पॉइंट से क्यों बोला जाता है इसे? नीचे गिर जाओ तो सुसाइड हो जाएगा। अच्छा, मुझे लगा किसी ने सुसाइड किया यहाँ से। लबक पॉइंट लेके चलूंगा मैं आपको। अच्छा, वहाँ पे लब करते हैं, वहाँ पे सुसाइड हो जाता है। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं हिमालय के व्यू पॉइंट पर। ये देखिए यहाँ पर गन पॉइंट है, यहाँ पर नीचे निशाना लगाओ आप लोग। ये देखिए नीचे साइड इन लोगों ने बोतलें टांग रखी हैं, कुछ चीज़ें रख रखी हैं, उन पर निशाने लगाने हैं। ये अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी गन रख रखी हैं यहाँ पर कमाई करने के जरिए। ये देखिए सामने बोतलें लटकी हुई हैं। तो गाइस चलते हैं ऊपर साइड, आप लोगों के लिए हिमालय का व्यू पॉइंट दिखाते हैं। यहाँ पर गाइस देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। यहीं से सामने लोग फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। इस साइड व्यू पॉइंट है हिमालय का। ये देखिए गाइस दूरबीन रखी हुई है, इनसे आप देख सकते हो, क्लियर साफ दिखाई देगा, लेकिन हम इससे नहीं देखेंगे। ये देखिए सामने गाइस कितना खूबसूरत पहाड़ दिखाई दे रहा है, बट ध्यान से देखेंगे तो आप हिमालय का हल्का हल्का दर्शन होगा। ये देखिए वाइट वाइट पीछे बिल्कुल। सबसे ठंडा एरिया है सर, आप 6-7 महीने में सामने संग्रह में आओगे ना, ये आपका पूरा नॉर्थ किला मिल जाएगा सर, इतना ठंडा रहता है। ताला जैसे पाला बोलते है ना, वो पड़ा हुआ मिलेगा जैसे बारिश पड़ती है। गीला 6 महीने सूखा रहता है सर,
जितना डाउन है ना जितना खाली दिख रहा अक्सर आपको उतना पानी नहीं देता इसमें, और इसे सूखा ताल ड्राई लेक बोला जाता है सर। जो भैया ने फोटो में दिखाया गीला सूखा सर वो यही है सर। नैनीताल में 9 लेक हुआ ना सर, 8 लेक नेचुरल गीला रहता है, केवल 6 महीने गीला रहता है, सूखा ताल ड्राई लेक बोला जाता है सर। तो इस टाइम सूखा हुआ है? हाँ जी, ये आर्टिफिशियल भैया बंदे आधा घंटा रुझाना पानी हवा ठंडी ठंडी आ रही है, रास्ता बहुत ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है सिर्फ है, बहुत तेज हवा आ रही है इधर, यहाँ बैठो देखो मेरे बाल कैसे कहीं से मतलब इसका है अंदर सुरंग बनी हुई है कहीं से। देखो तू तो देखो मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं, ठंडी हवा आ रही है काफी तेज आ रही है। चलो आ जाओ, चलो आराम से चलना नीचे। उसमें अंदर से कैसे हवा आ रही थी बहुत ठंडी, डबल पोल से साइड पर देखा ठीक है बेटा भाई, ये वेलकम से बोर्ड लग रहा है यहाँ से नीचे चला आना थोड़ा, यहाँ पे जल्दी आ जाना, नो पार्किंग है ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा जाओ। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं लवर पॉइंट, चलिए लवर पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या है। और गाइस यहाँ पर ये रास्ता नीचे की साइड गई हुई है, यहाँ पर साइडों में दुकानें हैं कुछ, तो चलिए गाइस चलते हैं नीचे की साइड, यहाँ पर भी देखते हैं। ये गाइस शिव जी की मूर्ति रखी हुई है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है देखने में। तो गाइस मैं इस जगह आया, मैंने मुझे लगा कुछ खास होगा यहाँ पर, यहाँ पर भी गाइस कुछ भी खास नहीं था। यहाँ आप देख सकते हो ये पहाड़ से हैं और नीचे से थोड़े से रास्ते गई हुई है, तो यहीं पर लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बस यही है लवर पॉइंट। बराबर में रेलिंग लगी हुई, इसके साइड खाई है काफ़ी गहरी सी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और गाइस यहाँ पर कुछ भी इतना कुछ खास नहीं है देखने लायक, लवर पॉइंट इसी को लोगों ने बना रखा है, बस ये कमाई करने का जरिया है। यहाँ पर अलग अलग लोगों ने पॉइंट बना रखे हैं टूरिस्ट को दिखाने के लिए। ये है ट्रैकिंग पॉइंट 12 पत्थर, जो आर्मी के स्कूल के बच्चे आते हैं ना भैया, उनको यहाँ रॉक क्लाइंबिंग कराई जाती है। जब छोटे बच्चों के लिए रॉक क्लाइंबिंग इसका अलग अलग चार्ज होता है, करना है कुछ साल हो, जैसे नैनीताल वाला देखा था ना ऊपर से ऐसे ही दिखता है बिल्कुल, ये वाला ये मगर दिखता बरसातों में, ये मगर आर्टिफिशियल है वो नेचुरल तक कुदरती वो तो नेचुरल है, उसमें पानी कभी कम होता ही नहीं। बाकी और जो ताल है नैनीताल से बाहर के आउटसाइड के वो भी सब कुदरती नेचुरल है, वो मगर इससे भी बड़ी बड़ी है नैनीताल वाली से भी, जैसे भीम ताल है, नौकछिया ताल है, कमल ताल है, वो लेक टूर आता है, वो इससे बड़े बड़े ताल है सारे। और ये हाई कोर्ट है सामने देख रहे ना आप, ये जो बना ये नैनीताल हाई कोर्ट है, पहले क्या था ना भाई जान, भाई साहब पहले अंग्रेज लोगों के टाइम पे चर्च हुआ करता था, अच्छा अब इसको जो है बदल के हाई कोर्ट कर दिया, मतलब पहले का बना हुआ है 2001 से हाई कोर्ट है, पहले का क्या है ना चर्च था, पहले का ही बना हुआ है अंग्रेज लोगों के जमाने का। पीछे देखो यहाँ की शूटिंग तो गाइस हम लोग वहाँ से घूम कर आ चुके हैं, यही कुछ जगह थी, मुझे लगा बहुत ज़्यादा खास जगह होंगी, बहुत अच्छी जगह खूबसूरत जगह होंगी, तो वहाँ पर खूबसूरत जगह थी लेकिन पहाड़ था, अच्छा तो लग रहा था लेकिन कुछ लवर पॉइंट सुसाइड पॉइंट इस टाइप के ये पॉइंट से बने हुए थे। तो चलिए गाइस आगे अब दिखाते हैं। तो गाइस इन लोगों ने 11 पॉइंट बता के पता नहीं कितने पॉइंट घुमाए, वो पता भी नहीं है मुझे, तो 5-6 पॉइंट लग रहा है, 5 जगह घुमाया हो। और अब धूप भी काफ़ी तेज निकल आई है, ऊपर गए थे वहाँ पर ठंडी हवा लग रही थी तो मैंने जैकेट निकाल दी है, अब